दिल्ली से आवे देखला आज के दिन नीला मरण का 70वां जन्मदिन है। शादा नहीं है क्योंकि उसको हम याद करते हैं पेड़ लगा वृक्ष लगा पैगाम के लिखा है सांसें हो रही है कम आओ वृक्ष लगाए। कोरोना के पीरियड में मैंने एक समाचार पढ़ा था, एक माँ का बच्चा बीमार था, वही उसको दिक्कत थी सांस की, उसको जगह नहीं मिली अस्पताल में, उसको जगह नहीं मिल पाई, वो अपने बच्चे को लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। दो तीन दिनों में बच्चा ठीक हो गया। यानी देखिए पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन की कमी थी और उस पीपल के पेड़ ने पूरी कर दी। इसलिए ये जन्मोत्सव जो है हम लोग वृक्षारोपण के रूप में मनाते हैं। आज 7वां दिन है, अंतिम दिन है, अब फिगर आएगा कहाँ कितने पेड़ लगे। आप फिर कैसे से हैं शिव आपके गुरु हैं, कहा जाता है कि ये प्रकृति ये कायनात शिव की गोद में विश्राम करती है। अभी अनुभव बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले प्रकृति बनी, पांच तत्व बने और तब जीव आए, हम आए, क्योंकि हवा जरूरी थी, आग जरूरी थी, पानी जरूरी था और जगह जरूरी थी, मिट्टी आकाश तो जरूरी था, ये बिना जगह कोई चीज बन नहीं सकती। ऐसे हो सकता है ऐसे वहां पांचों तत्वों के निर्माण से मिलन से भिन्न भिन्न अनुपातों में यह सृष्टि बनी है और हम में आप में भी इन पांचों तत्वों का प्रयोग हुआ है। देखिए जरा पानी शरीर में बढ़ जाए तो क्या होगा, इस पे देखिए, इस पे बीमारी हो जाती है। पानी शरीर में घट जाए तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन मर जाएगा। हवा का की महत्ता आपने अभी देखी, 2 साल जीते हैं और आपकी मशीन हमारा लेने वाली खराब हो गई, लंग्स खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया, बीमारी नहीं पड़ा, हवा फेफड़ा ले नहीं पा रहा, मौत हुई। लेकिन जितना जरूरी है ये हवा, मिट्टी तो है जैसा शरीर का कोई अंग गलने लगता है यानी किसी तत्व खराब होने लगता, तो हमको आपको प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। जैसे जैसे विकास होगा, ये जान लीजिए मैं तो सरकार में रहा हूँ, जैसे जैसे विकास होगा पौधे कटेंगे, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन पौधे लगाए भी तो जाए, जितने पौधे को कटने की आवश्यकता है जरूरी है उससे ज्यादा पौधे लगाए जाए, और पौधा लगाने से नहीं होगा भाई साहब, पौधे को बचाना भी पड़ेगा, उसको भी पानी की जरूरत है, उसको भी मवेशी खा जाएंगे तो ये भी जरूरत है घेरे की। ये सही है कि जंगलों में पौधे हम नहीं लगाते, पहाड़ों पर पौधे हमने नहीं लगाए, लेकिन बिया तो किसी ने छींटा, वो चिड़िया लाए, हवा लाए, बिया तो किसी ने छींटा, ठीक है उसकी सिंचाई हमने नहीं की, प्रकृति ने किया है, लेकिन यहाँ जो पौधे आप लगाते हैं उसका तो पोषण आप ही को करना हो, हम ही को करना हो, जो पौधे मर जाएंगे फायदा क्या हुआ, उतने पौधे बर्बाद हो गए, लगे भी और बर्बाद भी हो गए।
इस काम को करना है। लगाने से कम जरूरी नहीं है उसको बचाना, उसको बचाइए। पौधे तो कटेंगे, उसको रोका नहीं जाए, विकास होगा तो वृक्ष कटेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा अनुपात में लगने भी थे। नहीं लगेंगे तो क्या होगा, पानी की दिक्कत होगी, हवा की दिक्कत होगी, बारिश की दिक्कत होगी, कोई मुझसे कह रहा था कि एक किलो चावल जो आप खाते हैं, एक किलो भात को बताइए, उसको बोलते हैं, उसको तैयार होने में 2000 लीटर पानी लगता है। खेत से लेके आपके मुंह तक जाने में 2000 लीटर एक किलो चावल में पानी लगता है। और पानी पौधों से मिलता है, ये भी सही है कि पेड़ को भी पानी चाहिए, ये पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी भी नहीं रहेगा। इस बात पर हमको आपको विचार करना है, लगाए भी हम बचाए भी, कोशिश हो सकती है हम करें उसको बचाने की, और अनावश्यक पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए। वो भी शेर सुन रहे थे, सुकून पाने के लिए शहर से गांव टूटते हैं, बड़े अजीब है लोग, छाव कैसे तो है, टांगी लिए छाव ढूंढते हैं, टांगी लेके छाव ढूंढिए घट पेड़ काट लीजिए, छाव कहाँ से आएगा। शिव से चिता में भी कुछ ऐसा ही करता हूँ मैं सर, बिल्कुल सही है कि बिया रहेगा शिव से चिता का तो जंगलों में पहाड़ों पर पेड़ निकल जाए, वो प्रकृति उसका पोषण करती है, जो गुरु है जो शिव है उसको बढ़ा देगा। क्योंकि आप जो शिव से बना रहे हैं अपने एरिया में, अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में, उसका तो पोषण हमको आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी एक लाइन सुनी आपने, कोई छूटे ना कोई टूटे ना, बड़ी पुरानी लाइन है, 93 में उन्होंने पटना में इसको शुरू किया था, पीएनटी कम्युनिटी हॉल में। इसको भी देखना होगा, शिव सिर्फ बना तो रहे हम आप, उसका पोषण भी करना होगा, जाने से ब्रह्मा नहीं करेंगे, बिया छीटे भगवान शिव के गुरु होने का शील स्पर्श करेंगे। ठीक है, और रही बात सभी चीजों की, एक बात जान लीजिए, सरकार जब चलती है तो संविधान होता है, मौखिक हो लिखित हो, संस्था चलती है, कोई चीज चलती है उसके लिए एक नियम बनाया जाता है। कुछ लोग तो इसमें नियमों से बंधे हैं, जो संस्था में है अध्यक्ष है, इसका अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि अन्य शिव शिष्यों से आप श्रेष्ठ हो गए। मैं तो गृह समिति में नहीं, मैं तो गृह संस्था में कुछ नहीं हूं। ठीक उसी तरह से बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन मिलेंगे आपको क्षेत्रों में, एक जिले में कितने शिष्य होंगे बिहार के लिए बताइए तो, राज्य के लिए तो एक जेल में 2 लाख से कम तो नहीं होगा, कम है घाटा होगा। 21 आदमी की समिति एक जिले में बनी, 2 लाख में 21 आदमी सुरखाब का पर लगाए हुए नहीं है आप, 2 लाख में आप ही बोल रहे हैं ज्यादा, 21 आदमी सुरखाब का पट लगाए नहीं है। इसलिए शिव कार्य में संयोग करिए, शासन नहीं करिएगा, शासन गलत है सहयोग सही है। अवमन होता क्या है ना कि कुर्सी मिल जाने के बाद आदमी का अहंकार बढ़ता है, हट जाने के बाद फिर पूरी तरह जमीन पे आ जाता है। आप में भी कोई बहुत लोग हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, बहुत कुछ है, हम भी रहे हैं सरकार में ज्वाइन सेक्रेटरी,
उतर जाने के बाद गिर जाता। इसलिए सहयोग करिएगा, शासन नहीं करिएगा, अन्यथा मैं आपका सबसे पहला विरोधी होऊंगा। मैं शिव का शिष्यना पहला विरोधी होऊंगा। मैं लोगों को शिव की ओर लेके चलना, ये नहीं जताना है क्षेत्र में कि आई एम द किंग, मैं ही राजा हूं। और मैंने किताबों में लिखा भी है, कहता भी हूं मैं, शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। शिव शिखर के शासन का विरोध करता है, शिखर का विरोध नहीं करता। वो शिखर के शासन का जे बनी से हवाई बनी रे अगले जिला में के पा शिखर का शासन क्या शिखर पर है आप, इसका विरोध नहीं करता। देखिए इसको चढ़ावेगा, कहेगा जे बनी हम वही सबसे पुराण हूँ जिला में रे, ये क्या बन पे जिसकी बड़ी बैठ तो छुट्टन में टॉयलेट है, ये बहुत बुरा है और इसको बता मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि शिव के शिष्य है, शिव उनके गुरु है, शिव तो संसार का मालिक है। कायका महेश्वर सुना रहे सब, महेश्वर शिव, महेश्वर का मानी जानते हैं। ईश शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। महेश शब्द का अर्थ होता है चीफ कंट्रोलर। अब महेश्वर शब्द का अर्थ होता है सबसे बड़ा कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर मानते भी हैं, वही कंट्रोल करते हैं हमको आपको सबको किए हुए, ईश्वर ही करता है, महेश्वर ही करता है हमको आपको सबको किए हुए। और गुरु के रूप में वो बताते हैं कि तुम क्या हो, आप क्या है जरा बताइए तो भाई साहब, वह तुम कौन है, आपका धरती ने एक नाम दे दिया, इनका नाम है बरखा, इनका नाम दे दिया, लेकिन बरखा जो बोल रहा है इनके भीतर की जो आवाज है वो कौन है, कहां से आई, कब तक रहेगी, जो बोल रहा है वो निकल गया, अब तो बोल ही नहीं निकले। देखिए टेम्पर कंट्रोल, आए भी आप उसी की मर्जी से, माँ बाप की मर्जी से नहीं आए, बहुत माँ बाप है जो नहीं संतान है, आए भी हैं आप दूसरे की मर्जी से, जाएंगे भी आप दूसरे की मर्जी में, आपको ये भी नहीं पता है कि आप हैं कौन, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। अपने बारे में जानना, अब प्रदीपो बाबू ने कहा था हमको आपको ये भी नहीं पता है कि हम हैं कौन, नाम तो मेरा है हरिंद्र, नाम दिया है दुनिया ने, लेकिन कोई पूछे कि जो बोल रहा है आपके भीतर ये नाम कोई कौन है, तो शिव आपको बताते हैं कि तुम क्या हो। और जब आपको ये भान हो जाएगा कि आप इस रहने की जगह पे नहीं है, ये जग में रहेंगे नहीं कोई मेरा, तब जीवन की आपा धापी बंद हो जाए। हाय बाप हाय माए जो कर रहे हैं, अरे मकान ना बने रे, अरे बिटवा के चले रह रे, अरे गाड़ी नहीं चले रे, ये आपा धापी बंद हो जाए। जब जाने की रहना ही नहीं है, बड़ी सुंदर जातक कथा है, कथा है सच्चाई तो नहीं है, लेकिन एक कथा है कि भगवान बुद्ध ने जब पूछा था सारथी से एक लास्ट कि क्या हुआ, सारथी ने कहा था मर गया, बुद्ध ने कहा मैं भी मर जाऊं, सारथी क्या बोलता चुप रहेगा, और कहानी है दिखलाती है आपको सच हो या झूठ। बुद्ध ने कहा रथ रोको, उतर गए, साथी ने पूछा
जाके क्या कहेंगे? बुद्ध ने कहा कहना गौतम मर गए। सोचा कि जब कोई काम करेंगे और दुनिया से चले ही जाएंगे, कुछ पता ही नहीं, तो पहले इसी का पता लगा लेते हैं कि हम हैं कौन, अच्छा हमको मारेगा कौन, हम लोग का सबका कही है संसार में आए हैं तब तक रहेंगे, किसी के बस में कुछ भी नहीं। और बुद्ध ने ज्ञान दिया, बुद्ध भगवान हो। फिर आप लोगों को कुछ कहना है तो बोलिए, मैं बहुत देर बोलूंगा नहीं, मुझको 3 दिन से बुखार था, आज ही उतरा। कुछ जैसा आइए देखता हूं। तो आपके रोम रोम में है, आपके मन प्राण में बसता है, उसका दर्शन बहुत आसान है। और किसी आदमी से आप मिलिए, किसी से मिलिए, उसका दर्शन आसान नहीं है। देख लेना आसान है, आंखें हैं तो हम आप देख सकते हैं, लेकिन वो आदमी है क्या, उसकी अवधारणा क्या है, उसके विचार क्या है, वो सोचता क्या है, ये तो जानना बड़ा मुश्किल है। बोली में तो बात कुछ भी कही जा सकती। शिव से मिलना अत्यंत आसान है, लेकिन कोई मिलना चाहेगा तब ना। आप जिसको ढूंढते हैं अब वही आपको मिलता, आप शिव को नहीं ढूंढते हैं वैसा। हमारा दर्शन तो सही में कठिन है, कठिन तो किसी का भी है, एक उसके मनोभावों को आप नहीं जानते, जान भी नहीं सकते। वही 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 एलिफेंट, 6 अंधे हैं, हाथी को कह रहा है खंभे जैसा है, कोई सूप जैसा है, कोई रस्सा जैसा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, समग्र दृष्टि नहीं है, हम लोग पास है नहीं। देखिए कपड़ा खरीदने आप जाते हैं, मैं तो नौकरी में कभी से नहीं गया, वाइफ जाती थी, अब ये लोग जाते हैं। कितनी परख रखते हैं हम लोग, पीछे में क्या काम है, पैसा हम रखिए आते हैं दूसरे दिन, मैं दूसरे दुकान में जाता हूँ, परख सकते हैं भोजन की परख, परख तो भोजन की दर नहीं है। देखिए किसी को खाने के लिए दे दो चिकन, आजकल का तो निकला भी है, चिकन है, रोटी है, चावल है, करेला का भुजिया है, आलू का भुजिया है, सारा करेला नहीं खा रहा, ताकतवर बढ़िया चीज वही है, उसको खाया नहीं। देखिए शिव श्रेष्ठा में 3 सूत्र है ना, शिव श्रेष्ठा के पहला है उस महादेव को से ये प्रार्थना करनी है मन ही मन, बोलने से कितनी दूर आवाज जाएगी, हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं,
मुझसे उस पर दया कर दीजिए। दूसरा है कि आप शिव से दूसरों को बताएं कि शिव गुरु है, ताकि वो भी शिव को गुरु माने। शिव से बड़ा गुरु तो होता नहीं, अच्छी बात बतानी चाहिए। तीसरा है अपने गुरु को प्रणाम करिए, नमः शिवाय। मैं 42 साल से ये काम कर रहा हूं, 42 years बैक। अमूमन आदमी देखिएगा कि प्रथम सूत्र याद है उसको, समझता बिल्कुल नहीं, कोई मतलब है उसे नहीं। महादेव को ये प्रणाम करिए, उज्जवल प्रदेव प्रणाम कर लेगा, क्या करेगा? शिव चर्चा करेगा, क्या उसको मन लगता है चिकन है, करेलो छोड़ दिया। हाँ, अब साले को चर्चा पकड़ा गई, चर्चा को मन भीड़ दूसरे से करिए, भाई साहब भीड़ आदमी, वेयर देयर इज मैन देयर इज मनी। जहां आदमी की संख्या ज्यादा है वहां पैसा है। एक एक रुपया में आपसे 800 रुपया में देखिए, अब चर्चा पकड़ा गई, भोजन लिया बढ़िया बढ़िया, जहां गए खिले करके बैठा, पैसा भी नहीं, चलो चक्के बहुत से चर्चा। क्या नहीं है तो बढ़िया चीज तो चिकन खा लिया, जो आपको अच्छा लगा करेला छोड़ दिया, नतीजा क्या हुआ? बीपी हो गया, शुगर हो गया, पैंक्रियाज गड़बड़ हो गया, ज्यादा खाए हैं, ठाकुर तो गुरु भाई को जानते हैं, बवासीर हो गया। हम लोग चर्चा तो यही करते हैं, जो चटकार करते हैं ना, चर्चा चर्चा चर्चा। जो शिव को अपना नहीं समझेगा वो खाक शिव चर्चा करेगा, किसी को अपना समझते ही नहीं आप, शिव को अपना समझते ही नहीं आप, तो चर्चा क्या कर रहे हैं आप? उसको बना पाइएगा शिव का शिष्य, जब आप ही नहीं, आप ही शिव नहीं है तो कैसे बनाएंगे आप? आपको ये पहले मन में बैठाना होगा कि शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं, मेरे गुरु ने तो ठीक कर दिया। और जहां बोले कि मैं उनका शिष्य हूं, आप जवाब देंगे आप पर आ गए, गुरु की टोटल जवाब देंगे आप पर आ गए, ठीक है उसको शिव को चावल चाहिए चूड़ा चाहिए कुछ नहीं, शरीर में नहीं है कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जहां बोले मैं आपकी शिष्या हूं, मैं आपका शिष्य हूं, अब शिव की पूरी जवाबदेही आपकी है, काले को जवाब दो। अब पहला सूत्र अकेले करना, मन ही मन करना, शिव को प्रणाम मन ही मन करना, बोले से तो होगा नहीं। अगर माइक हटा दीजिए आप मेरी आवाज सुनेंगे, यानी यंत्र लगाना पड़ा है आवाज आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मन की आवाज, मन की आवाज बड़ी दूर चलती है। इंग्लैंड में रहे बच्चे के बारे में भी माँ को पता हो जाता है कि लागत आप का तबीयत खराब हुआ, लेकिन मन की कैसे बहुत ज्यादा, उससे तेज कुछ चलता ही नहीं है। महाभारत में यक्ष से पूछा था, यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, जब तेज कौन चलता है? युधिष्ठिर ने कहा था मन। तो पहले और तीसरे सूत्र में दया मांगने में और प्रणाम करने में आपका तो अकेला कौन बोला? दूसरा में बोलना क्या दूसरे करते? एक आदमी है कटिहार में है, अपने हजले है, बुरा हो गया खत्म है, कटिहार वाले हैं जानते हैं, बिलाइए को साथ में बिलाई पाले हुए थे, बिलाई को सुन चर्चा सुना था, बिलाई को सुन चर्चा सुना, बिलाई तो मर गई लेकिन अभी वो जिंदा। तो दो नंबर सोच
दो नंबर का धंधा सुना है? नहीं सुना? दो नंबर का धंधा में पकड़ा गए तो कोफे पेशा कानून लग जाएगा, बेल नहीं होगा। दो नंबर में निकल गए, मस्ती गाड़ी है, बंगला है, सब बहुत खतरनाक है। दो नंबर सुन, चर्चा करिए, आप नहीं रोकते, रोक नहीं सकते, लेकिन पहला सूत्र करिए, बाप को अपना बाप नहीं समझा है और गीत गाते हैं। पहला सूत्र करिए, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, उस महादेव को अपना समझने की कोशिश करिए, और जब उसको अपना समझ लीजिएगा ना, तो आचरण उसी के अनुसार होने लगेगा। आज दर्शन सांप का दर्शन किया है? सांप किया? आप बॉम्बे में रहने वाले लोग भले नहीं देखे हो, लेकिन सबक किया होगा। सांप का उदर्शन नहीं हुआ, सांप को देखना हुआ, सांप काट लेगा ना अस्पताल में, जो भुकाएगा सुई, अब इधर से अब जाके दर्शन, यानी दूसरे का दर्शन करने के लिए पूरी तरह उसमें समाहित होना होगा, मर्ज करना होगा, पूरी तरह समर्पित होना होगा, तभी आप दूसरे का दर्शन कर सकते हैं। महादेव का भी तभी कर सकते हैं जब महादेव में आप मर्ज करेंगे, समाहित होंगे, उसके निकट से निकट जाएंगे, जाएंगे, ऐसे आसानी है। शिव शिष्य कनिष्का है मुजफ्फरपुर से। नियति स्वयं मानव जाति का इतिहास लिखती है और आपका इतिहास स्वयं नियति ने लिखा है, तो हमारी नियति हमें कहाँ लेके जाना चाहती है, ये कैसे पता चलेगा? जब सब कुछ नियति ही करती है तो हम इतना भागम भाग क्यों कर रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं हम इतना भागा भाग काहे कर रहे हैं, जब सब कुछ भाग्य ही करता है, जिना भाग्य को बदला जा सकता है, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, और अगर भाग्य को बदला नहीं जा सके, आने वाले समय में अपने में सुधार नहीं किया जा सके, यानी कष्ट का सुधार नहीं किया जा सके, तो ज्योतिष बेकार, हस्तरेखा बेकार, पंडित जी बेकार, सब बेकार। ये भैया जो हमारा पाष्ठी आपको बताना है, भूत की बताना है, तब तो अपना भूत हम जाने रहे, और अगर भविष्य में बता रहे हैं कि आज परसों आपका एक्सीडेंट होगा, बता दिए ठीक, अरे सर आप बचे हैं किसे? यानी भाग्य को बदला जा सकता है, तभी क्या कहते हैं लोग, मैं भी ज्योतिषी रहा हूं, तभी कहते हैं लोग जाइए रुद्राभिषेक कराइए, जाइए सवा लाख नमः शिवाय एवं नमः शिवाय का जप करिए, बदला जा सकता है, और शिव तो सब कुछ बदल सकते हैं। तो बचने में को भजन है, भोलेनाथ जब हुई थी सहाय, टूटने कलमिया से लिखती बनाए, सुने तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि भगवती गई है ब्रह्मा जी के पास, नहीं ब्रह्मा जी आए भगवती के पास, ब्रह्मा जी कह रहे हैं राहुल बाहुल भवानी, मैं दांत सामने का टूट गया, मैं क्या करूं, भवानी कह जाती राहुल बाहुल भवानी, मैंने आपको जो राहुल है हस्बैंड, आपको जो राहुल है सो बाहुल है, खराब राहुल बाहुल भवानी, हे भवानी आपके जो राहुल है वो बाहुल बहुत भोजपुरी का वर्ण मैथिली मैथिली का अच्छे नहीं, भगवती पुष्टि कहा है ऐसा कहा है तो बोल रहे हैं, तो बोले कि देखिए आपको भाग्य लिखने का काम दिए हो, थोड़ा बहुत टेंशन हो तब तो चल जाता है सुधी पत्र हम निकाल दें पाठ का टुकड़ा का, अरे को लाइन गड़बड़ हो गया आप सुधी पत्र निकल गया, इस का करते हैं तो पूरे किताब में आदमी का बदल देते हैं, तो हम कहा करें थोड़ा कोई बात नहीं होती, हम कर देते घटा देते पूरा की नया लिख देते हैं हम, इसीलिए आपका जो हस्बैंड है ना अच्छे, देखिए
भाग्य बदले जा सकते हैं और शिव का शिष्य तो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन वो सचमुच में शिव का शिष्य हो तब ताली बजाने से नहीं होगा, इस बात को समझना होगा। जैसे जिंदगी भर तालियां बजाओ तो राजी नहीं होगा, इस बात को समझना होगा कि आप शिव के शिष्य बने, शिव से प्रार्थना करें आप कि हे शिव मुझको ऐसी दया करें आप कि मैं आपका शिष्य हो जाऊं। इसके लिए कोई प्रयास करता नहीं, एकदम मन को छोड़ दिया। अमूमन गुरु भाई एकदम मन नहीं करता, वो गुस्सा महादेव हो गए, अहमी महादेव आगे सीनियर है, अरे क्षेत्र में सीनियर है, यहां भी हम लोग सीनियर है, सीनियर यहां हम लोग हुए, अरे आगे पूछे इस बात को छोड़ना होगा, शिव के शिष्य को विनीत होना होगा। आपको झुकना होगा, जो झुकना नहीं सीखता है वह शिव का शिष्य नहीं हो सकता है, और जो झुकेगा वो सबके सामने झुकेगा, शिव के सामने झुकने झुकने की आदत लग जाएगी, सबके सामने झुकेंगे आप। सुनियो किस्सा सुनाते, तो किस्सा सुनाते हैं राजा, बड़ी हरा बढ़िया ही जो बोले बहुत क्रूर था। एक बार अपने राज ज्योतिषी को बुलाकर पूछा, ज्योतिषी जी हमको बताइए हम कब मरेंगे। राज ज्योतिषी ने कहा जो पांचवें दिन, पर बता दिया हमको फांसी उसी नहीं दीजिएगा, हमको कोड़ा से नहीं फिर वहीगा, सब वादा करा लिया, तब राजी पांच दिन के पास। वो सोचा कि अब पांचवें दिन मुझे जाना है तो कहे नहीं सबसे बढ़िया से, जैसे हम लोग का ट्रांसफर होता था ना, तो हम लोग भाई जो गलती होगी तीन चार साल में अब शासन बनाए हैं तो कुछ तो पढ़ाई करनी पड़ती है, माफ कर ऐसा मालूम हो गया अपन को जब तो जाना है पक्ष को बदल गए। जब जान किया कि आप पांचवें दिन बढ़ जाएंगे बहुत अच्छा हो गया, बेनिफिट हो गया, सबकी मदद करेंगे, गरीबों को बात सुनिए, न्याय करिए। पांचवा दिन बीता नहीं मरा, छठा दिन बीता नहीं मरा, सातवा दिन बीता नहीं मरा, दस दिन बीत गया नहीं मरा, बोला उसको काहे बोले थे आपके यहाँ पांच दिन में मर जाएंगे, आप बुजुर्ग आप तो मर गए, जहां पना आप तो मर गए, वो राजा आप कहां गए जो निर्दयी था जो क्रूर था, अब तो आप सबसे विनीत हो गए, सबसे झूठ गए। देखिए मौत का पैगाम बदली का पैगाम आदमी को विनीत करता है। हमको आपको नहीं पता कि क्षण शासन की है, और शिव के शिष्य को वैसा बनना ही चाहिए, उनको विनम्र होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, जो शिव के सामने झुकेगा वो सबके सामने झुकेगा। जी भाई अभय है कटिहार से, हमको पकड़ लीजिएगा तो ठहर जाइएगा, हमसे दूर जाइएगा तो टूट जाइएगा। उपरोक्त लाइन साहब श्री के द्वारा 2012 में पूर्व की एक चर्चा में 2012 से पूर्व की एक चर्चा में जिक्र किया गया था, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन किया जाए। क्या 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 बोले? हमको पकड़ लीजिएगा तो ठहर जाइएगा, हमसे दूर जाइएगा तो टूट जाइएगा। देखिए सड़क पर चलते होंगे ना तो वो मार्गदर्शन रहता है, मील का पत्थर, उसको ध्यान दे दो आगे बढ़ेगा। अब मील का पत्थर छोड़ दीजिएगा, गढ़ा में उतर जाइएगा,
नहीं समझे, मीर का पत्थर पकड़ लीजिए वही भैया, छोड़ दीजिए कंपनी का पत्थर मिल ही नहीं रहा है, इसका मैंने आप रास्ता बदल गए, जो किलोमीटर बता रहा था वो नहीं मिल रहा है। पकड़ लीजिएगा तो रुक जाइए, छोड़ दीजिएगा तो भटक जाइए। अरे चलिए हम आपको मदद कर रहे हैं चलने के लिए। लाइन सुनी नहीं है, बहुत बार मैंने कही है, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, माखनलाल से रुक जी की लाइन है, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, अंक बढ़े डिजिट, ये कितना किलोमीटर आप चले हैं और पढ़िए, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, हमको अपना मत समझना बाबू, आगे और भी पत्थर है, मत आरोपो अपनेपन। उसे से मनीष कुमार हैं अररिया फारसगंज से, शिष्यत्व ही किसी पारलौकिक प्रयास का प्रथम सोपान है, इसमें साहब मार्गदर्शन शिष्यत्व भी मास्टर को अलग पढ़ो चला भेजा तू स्कूल में विद्यार्थी भेजा, अब आप पढ़ते नहीं बढ़िया कैसे, जब तक अशिष्य का मन जानते हैं क्या होता है, पहले भी मैंने कहा है आपने तो भूला जाते हैं, वही करियरवा छोड़ दीजिएगा चिकन खा लीजिएगा। शिष्य शब्द का अर्थ क्या होता है, शिष्य शब्द शस्त्र धातु से बना है, तलाशो शस्त्र धातु से बना, उसी से बना है अनुशासन, उसी से बना है प्रशासन, उसी से बना है शिष्य। शिष्य शब्द का अर्थ होता है जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो वह शिष्य है, इसी से बना अनुशासन भी, इसी से बना शासन भी, तो शिष्य शब्द का अर्थ ही होता है जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, आप अनुशासित होने योग्य है ही नहीं, आप शिष्यत्व में है ही नहीं आप, तो किसे होगा, कहीं नहीं होगा, किसी जीवन किसी क्षेत्र में नहीं होगा, इसीलिए शिष्यत्व भी किसी भी आध्यात्मिक सोपान का सीढ़ी, सोपान में सीढ़ी का के लिए जरूरी है आवश्यक। आपने आओ चले शुरू में लिखा है कि मैं उस पुराने कुएं की तरह हूँ जिसमें हर व्यक्ति अपना अपनी अवधारणा की वापसी पसंद करता है, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं उस पुराने कुएं की तरह हूँ जिसमें हर एक आदमी अपना अक्ष चेहरा जो बोलता है वापस सुनने के लिए, पुराने कुआं में जाइएगा कहाँ से उतरेगा, कहीं कुआं हुआ है तो खड़ा हो जाएगा, तेज आदमी करता है फिर उसमें देखेगा अपना चेहरा, आवाज देगा जो भी आवाज वही आवाज लौटती है। मेरे साथ भी वही है, जो आता अपने मन की आता, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, यानी अपने मनोभावों को लेके आता है, मैं भी उसके मनोभावों को लौटा देता हूँ, पुराण कुआ हूँ हम क्या करेंगे, जो बोलिएगा सब, शिव को ढूंढने आइएगा तो मिल जाएगा शिव, आप तो शिव को ढूंढने आते नहीं है, चिकन खा लेते हैं खरीदा छोड़ देते हैं, तो सारे डरते नहीं हो। आपने एक पंक्ति लिखी है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति, तो क्या शिव की शिष्यता ही हमारी आध्यात्मिक शक्ति है? एक आदमी को लकवा मारे पहले से 7 साल से बिछोना पड़ता, क्या नहीं बताता लकवा मारे, एक बार गमा में आग लगी, आग लगी, अरे फल्ला घर में भी लग गया, तो बेचारे खटिया पर था, हल्ला हुआ आग लगी, साला उसके घर के लोग के पहले हुए खेत में था, उसके
घर का जो निकलेगा उसके पहले जो साथ साथ उठा नहीं था बिछौना को लेटरिन करता था वो खेत में खड़ा था। क्यों? शारीरिक शक्ति से बलशाली है मानसिक शक्ति, उसको भय क्या चल गया। देखिए बॉडी को चला दी, शरीर चल गया। अब मानसिक शक्ति से ज्यादा बलशाली है आध्यात्मिक शक्ति आएगा, कौन व्याख्या की इसकी जरूरत? रोज तो आप जादू का जादू देखते हैं, रोज तो लोगों से भेंट होती है जो आपके मत को मोड़ देते हैं। हम भी मोड़ते हैं भैया माने गुरु माने ना, उससे बड़ा बुरा लिखे। देखिए सूत्र है दूसरा, आप उसको टर्न कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जो आपके मन में आई है, सो घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घूम जाता आध्यात्मिक शक्ति दे रहा बलशाली असाधी को बता दिया लफा वाले साधन पर खेत में। हम लोग के लिए क्या है मार्गदर्शन? मार्गदर्शन तो मैं देता नहीं दे नहीं सकता, वो तो आपके गुरु ही आपको देंगे। हम बोल सकते हैं और मेरी बोली आप मानेंगे नहीं, ये भी मुझको माने बोलने के लिए कहिएगा क्या बोलू, लेकिन मेरा मार्गदर्शन आपके मार्ग का दर्शन नहीं करा, वो आपके गुरु ही कराएंगे शिव कराएंगे सबका वही करते हैं। आप चाहिएगा तो आप कंप्यूटर करेंगे क्योंकि आपके गुरु हैं। मेरा एक ही बात मुझको आपसे कहनी है, आप शिव के शिष्य हैं, जगत भी ये उदाहरण पेश करिए कि शिव के लोग कैसे होते हैं, दुनिया देखेगी कहेगी हाँ महादेव का चेला है। अभी मैं बैठा हुआ था जिसे एक दो भजन हुआ तो लगा कि कुछ कोई सीधे से नहीं है सस्ता, हाय 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 हाय, कौन सी शिष्य का लक्षण है भाई साहब? आप बाथरूम जा रहे तो मुंह का खोल रहे हैं पेंट खोल, अच्छा पेशाब करने में बोलने की क्या जरूरत है? उसको जाने में बोलने की कौन सी क्रिया है? या पूछ रहा हूँ बगल से भाई पूछा हो गया सर, शिव के शिष्य बने हैं आप, हो सकता है हम भी, जगत में ये उदाहरण पेश करिए उस शिव जैसा बनिए, वो सांपों को गले लगाता है जो जहर रखते हैं और टेढ़ा चलते हैं। हमको आपको भी बनने की कोशिश करनी चाहिए, बना बन तो नहीं सकेंगे हम लोग लेकिन चेष्टा तो करेंगे कोशिश तो करेंगे, महादेव से दया तो मांगेंगे। और सबसे पहले महादेव के शिष्य बन जाइए, इसके लिए महादेव से दया मांगिए। छोड़ दिया है आप लोगों ने इस काम को, चर्चा करिए मैं नहीं रोकता उसको, लेकिन पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए, उसको आत्मसात करिए, शिव को अपना बनाइए। जब शिव को अपना बनाएगा ना तो संसार अपना लगेगा, सब कुछ अपना लगेगा। और मैं तब बुढ़ा होगा, 2 महीने के बाद मैं 74 साल का हो जाऊंगा। मैं रोज महादेव से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमको वापस कीजिए, झुकर लाए हुए हम कहने के लिए। लेकिन अब आपके हाथ में कमान है, शिव शिष्यता अब आपके हाथों में पड़ेगी, बढ़ा दीजिए तो वाह वाह, नहीं बढ़ाइएगा तो एक बदनामी शिव की बदनामी और किसकी की बदनामी नहीं करेंगे आप, जो गुरु है उसी को ने बदनाम कर दी। अगर लोग तो कहेगा चेला था इसको कुछ हटा क्या है, चेले ना है ये, गुरु क्या कर रहे थे? शिव से जुड़िए, उस जुड़ने में जो मैं दे सकता हूं वो मैं करूंगा, इसका वादा है। लेकिन शिव की ओर चलिएगा तब ना हम चलाएंगे, क्यों छत पर जाएगा चाहते नहीं थे हम सीढ़ी लेना है क्या करी भैया, आप छत पर आपको जाना ही नहीं यहां से बाहर कहीं लगाए क्या करें,
जिब्रिल क्या? सबसे पहले सिद्धांत है आप नमः शिवाय की माला जपते हैं, काले जपते हैं, शिव को प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय करते हैं, शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय करते हैं, प्रणाम कर ये नहीं रहे। इसे जगह मानसी स्टेशन पर देखिएगा, पहले जब हम लोग थे जाते थे ना मधुपुरा में स्टेट से तो जाना ना पड़ता था, रास्ते बैठ के पूजा करेगा, अरे मन देवता को प्रणाम नहीं कर रहा है, नमः शिवाय का भक्त शिव को प्रणाम, प्रणाम तो करिए भाई साहब जी, एक माना करेगा, दो माना करेगा, तीन माना, तीन थक गए, अरे प्रणाम करना, प्रणाम करना, तुम 108 बार कर जाए मुझे 100 कर प्रणाम तो कर, नहीं माला जपना है। वही हमने कहा मैंने गाड़ी लगा दी है, चलिए आपको जाने लगे, अगर शिव की ओर चलना चाहते हैं आप तो मुझको जो चाहता चौकी मैं आपको आपकी मदद करूंगा, नहीं चाहते हैं तो शिव भी क्या करें, चलिए मुझको छुट्टी दीजिए, मैं तो आने वाला भी नहीं था, आज बुखार उठ रहा है तो मैं आया हूँ। सावन का महीना जो होता है कहा जाता है कि शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसा है नहीं क्योंकि शिव की बताई हुई चीज कुछ भी हो उनके लिए तो प्रिय नहीं होगी, उनके लिए तो देवता भी प्रिय है, उनके लिए तो राक्षस भी प्रिय है, तो शिव भेद नहीं कर सकते, मौसम में भी भेद नहीं कर सकते, लेकिन मौसम का प्रभाव आदमी के मन पे पड़ता है। जैसे अभी सावन है तो जिसको भी आप प्यार करते हैं चाहे वो कोई हो, मौसम अगर अच्छा हो, ठंडी हवा चल रही हो, बारिश की बूंदे बरस रही हो और सब कुछ सुंदर हो, तो क्या होता है इसके ऊपर कवि लोगों ने काफी कविताएं लिखी, काफी विरह पे, कि प्रिय के विरह पे वो विरह वेदना में डूबा है क्योंकि मौसम ऐसा है, मौसम उसको अपने प्रिय की याद दिलाता है। इसलिए हमारे जीवन में मौसम बहुत सारे हैं, सावन आते आते और तीव्र हो जाता है, लेकिन शिव के शिष्यों के लिए क्योंकि शिव के शिष्य अपने शिव को उतना ही प्यार करते हैं मौसम चाहे कोई भी हो, अब मौसम का प्रभाव उनके मन से खत्म हो चुका है, वो जेठ की दोपहरी में भी शिव शिव करते हैं, वो चाहे जब बारिश हो तब भी शिव की बात करते हैं, चाहे आपका वसंत का मौसम हो तब भी शिव की बात करते हैं, खराब से खराब मौसम अच्छे से अच्छे मौसम, अब मौसम का प्रभाव मन पे नहीं, मन का प्रभाव मौसम पे चला गया है, मन आपका अच्छा होगा मौसम को बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मन खाली हो, मन ही खाली हो तो क्या होगा। साहब विवेकानंद जी ने कहा कि शुरू में बहुत सारे लोग कहते थे कि शिव के मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, शिव के नाम पे कोई केंद्र बनना चाहिए, बहुत सारी डिमांड थी, बहुत तरह की प्रार्थना थी हम लोगों की उनके लिए, लेकिन साहब ने यही कहा कि शिव की स्थापना अगर आपके दिल में नहीं हो सके, शिव की स्थापना आपके मन में नहीं हो सके, वो खाली मन अगर शिव से नहीं पढ़ सके तो कोई भी स्थापना करने से कोई मतलब नहीं है, हम शिव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, शिव हमारे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आज बहुमूल्य समय है, बहुमूल्य बहुत से अर्थों में है, बहुमूल्य तो हर समय होता है, समय का एक पल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है चाहे वो कभी भी हो, लेकिन जब वैसे बहुत सारे लोग जुटे हों जिन्होंने एक बहुत बड़े उद्देश्य का बेड़ा उठाया है तो वो समय नहीं भूलने वाला, जिसकी स्मृति कभी नहीं जाएगी, वैसा समय हो जाता है। आज बिहार के सभी जिलों के चुने हुए समिति के लोग यहाँ उपस्थित हैं और बिहार शिव शिष्यता की आभार भूमि है, बिहार से शिव शिष्यता की ये जो आंधी उठी है आज पूरे संसार में फैल रही है, पूरे संसार में इसकी सुगंध फैल रही है और इसमें बहुत बड़ा योगदान बिहार के शिष्यों का है। यहीं से शिव की बात साहब ने शुरू की, यहीं पे नीलम आनंद जी के साथ कितने लोगों ने समय बिताया
और आज उन्हीं यादों को अपने दिल में संजो कर वो चलते हैं, अपने गुरु का काम करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक बार बिहार के लोग जो जुटे थे, साहब ने कहा था कि क्यों नहीं अन्य राज्यों का जिम्मा उनको दे दिया जाए, जैसे अलग अलग राज्य है वहां गुरु का काम कम हुआ है, शुगर कम हुआ है, तो क्यों नहीं दिया जाए। और ये प्रार्थना की गई सब लोगों से कि अगर आप अपना योगदान दे सके, आपके कोई लोग रखते होंगे उस राज्य में या कोई परिचय हो, अगर आप जाके ये काम कर सकते हो तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी और आपको सुनकर खुशी होगी। आप जानते भी होंगे कि उसका परिणाम बहुत सुंदर था। आज भारत के का कोई राज्य नहीं बचा है जहाँ शिव की बात नहीं होती हो। यहाँ तक कि वैसे जगहों में भी जहाँ हम लोगों ने सोचा था कि शायद वहां से गाया नहीं होता है क्योंकि वहां से कोई समाचार ट्रांसमिट नहीं हो रहा, लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे, जैसे आपका केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान, आपने नाम सुना होगा, नाम सुना है अंडमान का, तो अंडमान समुद्र से घिरा हुआ एक टापू है, तो सड़क के मार्ग से तो हम लोग जाके कहीं ना कहीं 2-3 दिन चल के भी गुरु का काम कर लेते हैं, लेकिन उस टापू में जाके इतनी दूरी पे जाके जो सब तरफ से कटा हुआ है, आपने उसके बारे में पढ़ा सुना होगा कि जब अंग्रेजों का समय था, जब भारत के अंग्रेजों का राज्य था, तो यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उन लोगों को काले पानी की सजा दी जाती थी और ये जेल वहां पर बना हुआ है जहाँ काले पानी की सजा, यानी ऐसा काला पानी नहीं है, ऐसी स्थिति थी कि उनके जीवन में वो चाहते थे कि कालापन छा जाए, लेकिन जब हम लोग वहां गए उस मंदिर में जब हम लोग गए कभी वो पूरी तरह अंग्रेजों का था। और वहां भारत के और नेपाल के काफी ऐसे लोग थे जो हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा है। बहुत मुश्किल से साहब ने समय हम लोगों ने लिया, साहब ने समय लिया थे, जब तक साहब यहाँ से चेन्नई गए हम लोगों को लग रहा था कि शायद इसके आगे जा तो रहे हैं हम लोग 5-10 आदमी भी, 50 आदमी भी अगर आ गए तो हम लोग समझेंगे कि जाना सार्थक हुआ, कोशिश पूरी रंग लाई। और चेन्नई से उस साल में उस समय का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, चेन्नई में जो साहब की संगोष्ठी हुई थी उसके बाद साहब का जन्मदिन था उस दिन जो चेन्नई में गुजरा, और उसके अगले दिन हम लोग अंडमान लिए चले। अंडमान में जब चेन्नई के गुरु भाई लोग कॉम्प्लेक्स बांट रहे थे, पर्चा बांट रहे थे कि शिव की चर्चा होने वाली है आप लोग उसमें आइए, उसी समय नेपाल की एक लड़की कैसे गुजर रही थी, उसने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, तो उस गुरु भाई ने कहा कि साहब हरिंद्रनंद जी हैं, एक बहुत महामानव है, बहुत बड़े आदमी है, शिव की बात करते हैं, वो यहाँ आने वाले हैं। वो ऐसा कुछ सुन नहीं रही थी दूसरी बार, बस वो ये सुन रही थी कि साहब हरिंद्रनंद जी आने वाले हैं और उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बार बार पूछा, आप वही जो भारत में रहते हैं वही हरिंद्रनंद की बात कर रहे हैं, सच में वो आ रहे हैं, सच में वो आ रहे हैं, बार बार पूछते रहे। तो उसको लगा, उस गुरु भाई को लगा कि क्या ये जानती है जो ऐसे पूछ रही है। पर्चा लेकर वो लड़की, वो जो गुरुबाग थी, वो पर्चा हाथ में लगाते हुए दौड़ते हुए चली गई, ये चिल्लाते हुए कि हरिंद्रनंद भैया आ रहे हैं, हरिंद्रनंद भैया आ रहे हैं। और नेपाली बस्ती है वहां बहुत बड़ी, और आप जानकर चौंक जाइएगा कि उस जगह पे 18 वर्षों से शिव चर्चा हो रही थी। और जब वो लोग आए मंडल सब उस समय गए थे, साहब ने कुछ गुरु भाइयों को मंडल के साथ भेजा कि जाकर देखते आओ वहां पे कि क्या मतलब वो लोग की स्थिति है, क्या करते हैं वो लोग। जब वो गए और मोबाइल में उन्होंने साहब की तस्वीर दिखाई उन लोगों को, तो वो लोग अपने चप्पल खोल खोल के खड़े हो गए और सबके आंखों से आंसू बह रहे। हम और आप साहब को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो बात कर लेते हैं, लेकिन वैसे लोगों का क्या, जिन्होंने साहब को कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन उनकी बात को अपना बनाया है, तो आज देखिए वो कहां से कहां गए। और मैंने अभी कहा कि शिष्टता की आधार भूमि है बिहार,
बिहार का नाम सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी उतना ही होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे निकलते हैं पढ़ने वाले, ब्रिलियंट होते हैं, हर जगह जाकर अपनी छाप छोड़ देते हैं। और जब शिक्षिता का आरंभ हुआ तो आप देखिए वैसी जगहों पे जहाँ हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, 18 सालों से चलने में था और हम लोगों को पता ही नहीं था। और वो बूढ़ी गुरु बहन कह रही थी, जनकपुर की थी, वो कह रही थी आंसू भी बह रहा था उनको, तो वो साहब से जब मिलने आए बस देखती थी और आंसू बहते थे और कह रही थी कि मैंने चाहा था कि आपसे मिलो, हमेशा चाहा, जब जनकपुर गए साल में एक बार, हमेशा वहां के लोगों से कहा कि मुझको देखा हुआ नहीं है, साहब के पास ले चलो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, मैं कभी नहीं जा सकी। आज आप आ गए, आज आप ही आ गए। तो भाव ये होता है जो भाव को खींच लेता है, भाव से सहज प्रेम से परमात्मा लगते हैं तो शिव के शिष्य भी लागू होंगे ही। मेरा अब हम लोग इस बिंदु पे आते हैं कि इस समिति के बनने का उद्देश्य क्या था। कोई बहुत बड़ा उद्देश्य समिति के लिए नहीं था, बहुत बड़ा उद्देश्य महादेव के काम के लिए है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग शिव चर्चा कर रहे हैं, शिव गुरु कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह अपनी शक्ति को, अपने एफर्ट जो ज्यादा से ज्यादा हम लगा सकते हैं उसको अभी तक लगा नहीं पाए। शिव स्वयं नहीं आएंगे, वो भगवान शिव स्वयं उतर के हम लोगों के लिए तो आ गए, लेकिन क्या वो अपने प्रचार के लिए, अपने बात को पहुंचाने के लिए भी खुद आएंगे? वो ताकत देते हैं, वो बल देते हैं कि हम चल सके और उस रास्ते पे चलते चलते उस मंदिर तक पहुंच जाए जिसके लिए साहब लिखते हैं कि शिव ही हमारे गति है, गंतव्य है, शिव ही हमारे गुरु है। तो सच है ये कि हम लोग हिमालय पहाड़ से एक तरफ हमारा रास्ता घिरा हुआ है, हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, गंगा नदी से घिरा हुआ है, तो बहुत सारे पर्वत नदियों से हमारा जीवन गजा बसा है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों के लोग चढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि एवरेस्ट का विजय किया है इसने, यानी पहाड़ में सबसे ऊपर चढ़ के वो गया है तो उसने विजय पताका लहराई है। हम शिव शिष्यों का ये उद्देश्य होना चाहिए और होगा, ये मेरा विश्वास है कि हम पहाड़ों पर चढ़ते रहे, शिव शिष्यता के पहाड़ पर चढ़ते रहे। इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हमने ये सोचा, ये समझा है कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर अब भी ऊपर चढ़ना है, चढ़े हिमालय के शिखरों पर अब भी ऊपर चढ़ना है, हमें हिमालय के ऊपर भी नया हिमालय बढ़ना है। और इसके लिए आप सभी के चरणों में करवत प्रार्थना है, कृपया इस समिति के बनने का उद्देश्य साकार करिएगा। हम साहब गंगा नदी को क्या दे सकते हैं, उनको देने के लिए हमारे आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको, जो उनके पास नहीं है। लौकिकता में हर वो चीज उनके पास उपलब्ध है, लेकिन हम कहते हैं भैया वृंदानंद भैया कहते हैं क्या दिल से कहते हैं, क्योंकि अगर दिल से यह पुकार उठती है, दिल अगर ये कहता है कि भैया हम आपके साथ हैं, हम चलेंगे उस रास्ते पे जो जहां आप चले हैं, तो भैया के रास्ते पे चलने के लिए हमको और आपको सारी संकीर्णताओं को एक तरफ धकेल देना होगा। जैसे सावन के महीने में आप कांवड़ लेके चलते हैं और रास्ते में आप भूल जाते हैं कि कौन किस जाति का, किस धर्म का, किस वर्ण का है, आपके मुख पे, आपके चेहरे से बस यही उद्घोषित होता है कि बोल बम, बोल भाई, भाई बम, भवन बम, बेटा बम, इंजन बम, पता नहीं कौन कौन बम, लेकिन वो 4 दिन की यात्रा में हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। सब हमारे लिए प्रिय हो जाता है, जब शिव भाव से हमारा मन भरा होता है तो सारे लोग हम लोग के प्रिय हो जाते हैं, हम अपनी कलुषता भूल देते हैं, हम अपनी कलुषता भूल जाते हैं। महादेव के इस बहुत बड़े कार्य के लिए आपके हमारे जैसे लाखों लोगों की जरूरत है। ये ऐसा यज्ञ है जिसमें हमको अपने जीवन की आहुति तो देनी है लेकिन खुशी खुशी देनी है। हम इस रास्ते में चलेंगे और एक दूसरे की संकीर्णता को भूल के चलेंगे। साहब को सबसे बड़ा उपहार आप यही दे सकते हैं
दीदी नीलम आनंद जी, अगर कहीं एक क्षण को भी आपको लगा होगा कि आपकी माँ है वो, तो उस माँ के लिए आप यही कर सकते हैं कि शिव की बात करें, शिव की स्थापना स्वयं में भी करें और शिव की स्थापना दूसरों में भी करें, बस इतना ही करके आप सभी को।